पर्सनालिटी। एक व्यक्ति की जिंदगी में उसकी सफलता में ये शब्द कितना मायने रखता है। पर्सनालिटी एक ऐसा शब्द है जिससे ये डिपेंड करता है कि लोग आपके साथ में कैसा संबंध रखना चाहते हैं। पर्सनालिटी, चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपसे लोग किस तरह जुड़ेंगे और आप अपनी लाइफ में किस हद तक पहुंचेंगे, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पर जब भी मैं पर्सनालिटी की बात करता हूं, तो पहला आयाम या मैं कहूं कि पहली चीज जो आती है सामने, वो ये आती है कि आप अपनी बात सामने कैसे रखते हैं। तो अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को मास्टर करना है, अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहला पायदान जो हमें चढ़ना पड़ेगा वो ये है कि आप अपनी स्पीकिंग को मास्टर कैसे करें। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीकिंग को मास्टर कैसे करें, उनके एक्सपीरियंस से जो इस फील्ड के मास्टर हैं, तो मैं उनको बहुत जल्द आपके साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन उससे पहले, दिस इज राजन, वेलकम्स यू ऑल इन अवर एक्सक्लूसिव टॉक शो स्पीकिंग मास्टरी विद मिस्टर भाविन शाह। मिस्टर भाविन शाह जिन्हें 12 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जो 450 से ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं और आज तक 500,000 से ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच राजन जी, एंड वंस अगेन अमेजिंग फीलिंग। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज स्पीकिंग मास्टरी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात होती है सर, और जब स्पीकिंग वर्ड आता है, तो बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ कोच मैं कहूँ, तो ये पहली ऐसी चीज है जिसके लिए मैं खुद बहुत अंदर से एक्साइटेड होता हूँ। और आज मेरी ऑडियंस के लिए भी, हम जरूर आपके एक्सपीरियंस से जो आप इतने सालों से लोगों को सिखाते आ रहे हैं, और आप यू योर सेल्फ इज अ मास्टर इन टू स्पीकिंग, तो वो गुड रहस्य जानने की कोशिश करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि सर स्पीकिंग को अगर मास्टर करना है, पर्सनालिटी को मास्टर करना है, तो क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, क्या रिकमेंडेशन है, या किस तरह से शुरू कर सकते हैं सर, जानने की कोशिश करेंगे सर। सो डेफिनेटली जैसे आज का हमारा जो एपिसोड है, इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली स्पीकिंग मास्टरी। एग्जैक्टली, सो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि लोगों को होता है ना काफी बार कि जो नाम दिखता है वो नाम वही नहीं होता जो आपको दिखता है, उसके पीछे के बहुत सारे रहस्य, उसके पीछे की बहुत सारी डेप्थ होती है जी। तो जब हमने स्पीकिंग मास्टरी प्रोग्राम का कह सकते हो कि फ्रेमवर्क बनाया, सो मेरे पास एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग था उस चीज़ का, जो मैं इतने सालों से इतने लोगों को मिलता हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं रजन जी कि सर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना सब कुछ चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास जी, बट सर स्टिल यू नो आई एम लैकिंग समवेयर, एंड जो जहाँ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, कुछ अटक रहा है चीजें, एंड मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। मैं उनको सिंपली ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर सेल्फ रियलाइजेशन। कि काफी बार हमें खुद काफी चीजें पता होती है कि हम कौन सी चीज में लैक कर रहे हैं, कौन सी चीज में हमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत है जी। तो देन मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड देन घुमा फिरा के एक आंसर कॉमनली आता है कि सर आई थिंक सो आई नीड टू डेवलप माई पर्सनैलिटी इन अ नेक्स्ट लेवल। मुझे अपना जो ऑरा है, जो मेरा प्रेजेंट करने का तरीका है, वो मुझे जो अपनी पर्सनैलिटी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उसको मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जी। तो जो मैंने स्पीकिंग मास्टर प्रोग्राम का फ्रेमवर्क बनाया, दैट इज इनडायरेक्टली अ प्रोग्राम कॉल्ड हाउ यू कैन मास्टर योर पर्सनैलिटी, How you can you know, level up your personality? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बहुत फेमस है ये वाली बात कि भाविन शाह जब भी किसी टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज रखते हैं तो वो केवल ऊपर नहीं कहते, वो उसकी आत्मा में जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं अपने ऑडियंस के लिए भी कहूँ कि जब भी आपके शब्द निकालते हो, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, ये अपनी पर्सनल लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, आपके वर्ड्स का चॉइस, आपका बोलने का तरीका, और आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बहुत कुछ रिफ्लेक्शन होता है कि आप अंदर से कैसे हैं। Exactly. आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन आपके शब्द होते हैं। Exactly. तो बिल्कुल मैं अपने ऑडियंस के लिए कहूँ कि हम बहुत डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकिंग मास्टरी केवल शब्दों का खेल नहीं, वो शब्दों के पीछे आप क्या हो ना, उस चीज का खेल है जिसे क्या बात है, क्या बात है राजन जी, सो वंडरफुल। सो जैसे आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं जब कोई भी चीज को फ्रेमवर्क करता हूँ, तो लोग बोलते हैं पर्सनालिटी, ओके सर तो एक काम करते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, एक थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं, एक यू नो अच्छी घड़ी पहन लेते हैं, अच्छा जींस ले आते हैं, अच्छे शूज ले आते हैं, वो मेरे पर्सनालिटी हो गई। सो यहाँ पे काफी लोगों को ये अंधविश्वास कह लो, मिथ कह लो, या गैर मान्यता, जो भी हम लोग बोलते हैं उसका अलग अलग शब्द है, कि लोगों का परसेप्शन ये है रिगार्डिंग पर्सनालिटी और रिगार्डिंग दिस पर्सनालिटी मास्टरी, कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि
अच्छे कपड़े पहनना वो सब पर्सनालिटी होता है, बट मैं मानता हूँ कि वो तो जस्ट 5% है. ओके, ओनली 5%. ओनली 5%. ओके, 95% इज आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो. आपकी स्पीकिंग मास्टरी इज द वेरी मेजर पार्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी. जी, वो बहुत बड़ा एक यू नो पायदान है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का. कैसे तो आपका माइलस्टोन है जो आपको अचीव करना है अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो. फिर आप बात करते हैं आप अंदर से कैसे हो, तो स्पीकिंग मास्टरी प्रोग्राम में हम बात करते हैं अंदर से कैसे, उसमें हाउ विनर्स एटीट्यूड वर्क्स. ओके, जो विनर्स के एटीट्यूड होते हैं जो किसी को दिखता नहीं है वो इंटरनल बात है जी, तो वो कैसे डेवलप होता है. हम पर्सनैलिटी में और स्पीकिंग मास्टरी में बात करते हैं यहाँ पे हाउ यू कैन डेवलप योर सेल्फ ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. ओके, सो मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी. सो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट के केवल बाह्य आवरण ऊपर से अपने आप को बदल लेना ही पर्सनालिटी चेंज नहीं है. लोग कहते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी यार बहुत देख के ऐसा लग रहा था, बट पर्सनालिटी इज अ 360 डिग्री कॉन्सेप्ट एक्चुअली. जो सर यहां से जो शुरू एग्जांपल पर्सनालिटी किसी किसी की कितनी भी अच्छी हो एग्जांपल, बट सामने अगर मान लो ऐसा भी होता है ना कि उसके एक ऊपर लेवल का बंदा बैठ गया जी, सो पसीना आना शुरू हो जाता है, पर्सनालिटी उसकी वहीं पे वीक हो जाती है. आप नर्वस फील करते हो, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, आप कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली वहां पे वीक होना शुरू हो जाती है. तो सारा खेल यहाँ से, यहाँ ये जो है ना आपका ड्राइवर, ये सारा, ये जो भगवान यहाँ बैठा है या जो भी है उसको बोल लो, ये सारा यहाँ से, ये अपना सीपीयू है. ओके, ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है जी. और अगर ये जो कमांड देगा, हालांकि कमांड उसको हम ही देते हैं, तो इसी की हम बात करते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ में हम ऐसा तो क्या करें कि आपका दिमाग आप खुद ड्राइव करो, नहीं कि आपका दिमाग आपको ड्राइव करे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन को चला सको, ना कि मन आपको चलाए. और तो जिसका सीपीयू ऑटो मोड पे है खुद ही ऑपरेट करता है, तो मतलब मान लो कि उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही यू नो एवरेज लेवल पे होता है, बट जो खुद को खुद रन करते हैं जी, जो हम पर्सनालिटी और स्पीकिंग मास्टरी में जो कॉम्बिनेशन हम लोग बनाया है स्पीकिंग मास्टरी नाम का, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, हम बिलीफ सिस्टम के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज ये सारा पर्सनालिटी का पार्ट है. हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, लीडरशिप पे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, ग्रूमिंग पे भी काम करते हैं हम लोग इसमें. मतलब ये जो चीज है वो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ये प्रोग्राम जो है वो एक ही वन लाइनर के लिए है, वन शब्द के लिए, वो है हाउ यू कैन बिकम यूनिक, हाउ यू कैन बिकम यूनिक यूनिक इन एवरी 360 डिग्री डायमेंशन. ग्रेट ग्रेट सर, इस आपने जैसे जब कहा कि हाउ यू कैन बिकम यूनिक, उससे बहुत ही एक फेमस फ्रेज मुझे याद आ रहा है कि डोंट जस्ट बी प्रेजेंट, बी रिमेंबर्ड. तो ये रेमंड्स का वो है सर टैगलाइन, राइट? तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि जब रेमंड्स में वो पर्सनालिटी को बताने को, डोंट जस्ट बी प्रेजेंट, बी रिमेंबर्ड. एंड इफ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, तो जैसे सर ने कहा कि हर चीज पे, यहाँ से लेकर आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपकी आपके शब्दों के ऊपर, आपके हैबिट्स के ऊपर, हर चीज पे हमको काम करना पड़ेगा. एंड अब जब आप किसी को कब बोलते हो कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जब आप उसको ओवरऑल यूनिक देखते हो और आपको अच्छा लगता है, याद रख पाते हो आप, अच्छा याद किसको रखते हैं, जो थोड़ा यूनिक हो, लोगों से हटके हो जी, लोगों जैसा ही हो या बाकी लोगों की तरह ही हो. हालांकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यू नो लेट्स डू द कंपैरिजन, लेट्स डू द कॉपी पेस्टिंग, मैं उससे हटके बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ यूनिक होना, जहाँ पे कोई कंपैरिजन तो होना ही नहीं है, साथ में आपको लोग इन्फ्लुएंस हो, आपसे लोग आपको फॉलो करें. सो कहीं ना कहीं जैसे आपने इन्फ्लुएंस बोला सर, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी तो ही कैन बी अ बेटर इन्फ्लुएंसर देन द अदर. डेफिनेटली, बिकॉज़ दिस होल वर्ल्ड इज नाउअडेज व्हेन सिनेरियोस आर चेंजिंग इन कॉर्पोरेट. ट्रू. इफ यू आर अ इन्फ्लुएंसर देन यू विल बी रिस्पेक्टेड मोर, यू विल बी पेड मोर. ट्रू. इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. आप स्टूडेंट्स कैटेगरी में देखो जी, अगर आप फैमिली में भी देखो, कोई फंक्शन है तो वहां पे लोग बात करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे मैनेज मेंटेन करने की, चाहे वो बात करने का तरीका हो, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कोई कंपनी में मीटिंग है, कंपनी में यू नो कहीं ना कहीं आपके एनुअल फंक्शंस रहते हैं कई जगह पे, तो ये सारी चीजें वहाँ पे ऑब्जर्व होती है. स्पेसिफिकली जब सेल्स वाले हो आप, सेल्स टीम में, तो ये तो आपका हर रोज का काम हो गया. बिल्कुल. स्पेसिफिकली व्हेन यू आर एमडी, व्हेन यू आर वीपी, व्हेन यू आर एट अ हायर पोजीशन, मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है, तो मतलब वो लोग है ना, दे डोंट फोकस ऑन सच थिंग्स. उनको लगता है कि खाली नॉलेज होना वही मेरे लिए काफी है, बट ये आपका परसेप्शन है जी, और आप लोगों के परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस इज द हार्श रियलिटी. Very true, sir.
सो आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना उसको एक बेटर ओवरऑल पर्सनालिटी बना के एक अच्छा पैकेजिंग किया जाए। बिल्कुल जी जी। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट्स, यू नो, एवरी टाइम देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, है ना। तो अगर आप एक खुद समझो कि जब आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनने की कोशिश करते हो, यू योर सेल्फ फील्स गुड। ये तो वही बात हो गया कि जब आप नए कपड़े खरीद के पहनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अलग होता है कि नहीं? बिल्कुल, मैं मानता हूं सर। जब आप नई घड़ी हाथ में पहनते हो तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। बिल्कुल सर। जब आपने अच्छे से हेयर कटिंग करवाया हो तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। अच्छे दिख रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सामने जाऊं। वेरी ट्रू। तो केवल दिखने से जब ऐसा है तो बाकी की चीजें जब हम डेवलप कर लेते हैं तो कैसा होगा? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। दूसरा मेरा एक ये है कि अगर उस सब पैरामीटर पे हम मेनली फोकस करते हैं स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनालिटी पे ओवरऑल तो फोकस करते ही करते हैं, बट सबसे ज्यादा फोकस हमारा होता है स्पीकिंग के ऊपर। इसलिए पर्सनालिटी को एनहांस करने का प्रोग्राम का नाम दिया गया है स्पीकिंग मास्टरी। दैट इज ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है स्पीकिंग मास्टरी। इट्स अ प्रोग्राम फॉर दैट। बट स्पीकिंग, वंस अगेन, आपका सब कुछ अच्छा है बट अगर आपकी बातों में दम नहीं है, आपकी स्पीकिंग पुअर है, आपका प्रेजेंटेशन पुअर है, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, लोगों को कन्विंस करने का कला नहीं रखते हो, लोगों को नेगोशिएट करने की कला नहीं रखते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी स्पीकिंग पुअर है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में दम नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और आपकी पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल हो जाएगी अगर आपकी स्पीकिंग में दम नहीं है। और ये स्पीकिंग, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ, जो आपसे कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि केवल प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फैमिली लाइफ तो ज्यादा। अगर आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, शब्दों का खेल है, अगर आपको आपके बड़े पोजीशन के लोगों को किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना है पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, तो वो भी वहाँ भी शब्दों का खेल है, वहाँ पे स्पीकिंग। आपको प्रमोशन चाहिए, वो भी तो स्पीकिंग खेल है। स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, आपके कॉलेज में अगर आपको देखा होगा कि वो लोग ज्यादा यू नो कहीं ना कहीं हाईलाइट में होते हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है स्टूडेंट कैटेगरी में। सबने कॉलेज लाइफ देखी हुई है, स्कूल लाइफ देखी हुई है, आपको पता है कि जिसकी स्पीकिंग अच्छी है लोग उसको ज्यादा एडमायर करते हैं, लोग उसको आसपास घेर के रखते हैं। मतलब जो अच्छा वक्ता है, मतलब चाहे फिर वो मतलब ऐसा लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, बट ऑटोमेटिकली लोग उसको घेर के रखते हैं। अच्छी बात, लोग ऑटोमेटिकली लोग उसको बोलते हैं कि आप जाओ प्रिंसिपल के सामने कुछ बोलना है, आप जाओ। मैडम को कुछ बोलना है, आप जाओ। सही बात है। कुछ चीज को रिप्रेजेंट करना है, आप करो। सही बात। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीकिंग में दम है। वो पूरी लाइफ का फाउंडेशन जो है ना, वो इसी पे पड़ा हुआ है। पावर ऑफ सेइंग नो, दैट आल्सो कम्स अंडर द स्पीकिंग मास्टरी। कुछ लोग ना नहीं बोल पाते जिंदगी में, वो भी तो स्पीकिंग का पार्ट है। कोरिलेट करता हूं सर, बिकॉज़ इन माय करियर बीइंग अ सेल्स गाय, इट वाज वेरी, और उसके बाद जब एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू करी तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान तो नहीं कह सकता, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत चैलेंजेस फेस करना नहीं बोल पाया। देयर लाइक सम टाइम इट हैपेंस लाइक अब ना नहीं बोल पा रहा तो कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी, या फिर कहूं कि ना चाहते हुए भी अननेसेसरीली भी आपको बहुत कुछ काम करना पड़ता है। एंड आप एक चीज देखिए कि आपने ये चीज तो समझ में आई होगी, जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज स्पीकिंग मास्टरी, तो आपको एक अंदाजा तो क्लियर आ ही चुका होगा ऑडियंस को भी कि हम खाली आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं करते, खाली आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं करते, हम आपको ओवरऑल 360 डायमेंशंस जो जरूरी है आपको एज अ बेस्ट सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, तो वो सारे का सारा चीज हमने यहाँ पे डेवलप करते हैं आपके साथ। चाहे आपकी लीडरशिप स्किल्स हो गई, चाहे आपका ग्रोथ माइंडसेट हो गया, माइंडसेट पे काम करना, बिलीफ सिस्टम पे काम करना, आपको फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्पीकिंग मास्टरी। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक सवाल है सर, शायद मेरी हमारी ऑडियंस के लिए भी वो क्वेश्चन होगा और मेरे मन में आया है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू वेरियस पीपल, तो कई मतलब उसमें नौजवान भी हैं, कुछ मिड एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, और थोड़े से एज ग्रुप, दे हैव वन कॉमन प्रॉब्लम कि सर मैं पर्सनल लाइफ में हूँ या मैं प्रोफेशनल लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास में उस चीज़ की भावनाएं भी है, बट आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस दैट थिंग कि लोग मतलब मेरी जो चाहता हूँ वो कन्वे हो पाए। आपको राजन जी क्या लगता है कि उसके पीछे का सबसे सेंटर पॉइंट क्या होगा, अगर आप एक शब्द में इसका आंसर दे पाए, ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मैं जहाँ तक समझता हूँ सर के मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपनी बात को डिलीवर करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता होगा। एग्जैक्टली, यू चूज द राइट वर्ड। And that's where Rajan ji, I like it. I like you. Thank you very much. Confidence is the key word. Confidence is the key word. आप कोई भी जगह पे जाओ, you know, अगर आपके पास सब कुछ है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, so there is no meaning of your existence. Very true. Very true. Confidence नहीं है तो आपको जो पसंद है उसको भी कन्विंस नहीं कर पाओगे, चाहे शो आपका लाइफ पार्टनर बन सकती है, वो बन सकता है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद वो कन्विंस हो गए तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाओगे। जी।
और ऐसा तो नहीं है कि आप घर आप खराब इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो जी, है ना, आप अच्छा लाइफ में कर रहे हो जी, एंड स्टिल अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे है। ये तो चलो पर्सनल बात हो गई। अगर आप स्टूडेंट हो, आप कुछ कुछ लाइफ के डिसीजंस हैं तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं कॉन्फिडेंस में लेके आ पा रहे हो, उसकी वजह से आपको पेरेंट्स के प्रेशर में आके वो जो बोल रहे हैं वो करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से एग्जांपल आप एक ऐसे करियर चूज करते हो जो कहीं ना कहीं आपका पैशन ही नहीं है। कई और ये यूथ्स के साथ में यूजुअली होता है, काफी होता है कि वो बता नहीं पाते कि उनका पैशन क्या है, वो किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, और फिर पेरेंट्स को भी शायद वो उतना कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए। दूसरा साइड में देखूं तो पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस लो होता है काफी जगहों पे, तो उनको पता है कि उनका बेटा गलत डिसीजन ले रहा है, फिर भी उसको रोक नहीं पाते। वंस अगेन अ इशू ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर नॉट एबल टू टेल हिम और शो हिम द फ्यूचर कि बेटा तेरा exactly. तेरा जो है पोटेंशियल वो इसमें ज्यादा अच्छा निकल सकता है। बिकॉज देखो स्पीकिंग एंड इफेक्टिव स्पीकिंग में एक ही फर्क है, वो है कॉन्फिडेंस का। वेरी ट्रू सर। स्पीकिंग में आप बोल के चले जाते हो कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, मत कर, ठीक है, फिर खत्म हो गया वहाँ पर। इफेक्टिव स्पीकिंग में इससे आगे बढ़ के चार और फ्रेमवर्क्स लाइंस होती है जहाँ पे वो सामने वाले को वो चीज़ सेंस करवाता है कि हाँ ये क्यों सही नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट, बोलना एंड इफेक्टिव बोलने में बहुत फर्क है। स्टेटमेंट्स देना, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ, उनको ऐसा लगता है खाली स्टेटमेंट देकर निकल जाना इट्स अ गुड स्पीकिंग, बट दिस इज जस्ट यू नो अ फ्यू परसेंटेज ऑफ दैट इफेक्टिव स्पीकिंग। राइट, सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, अगर आप कंपनी में भी अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको पता है प्रमोशंस के लिए भी इंटरव्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, है ना, तो वहाँ पे अगर आप अपने बॉस को कन्विंस नहीं कर पाते हो, या फिर बॉस के बॉस जो आता है, जो कंपनी का मेन लीडर आता है, कंपनी का MD आता है, उसको कन्विंस करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, अच्छी स्पीकिंग, अच्छी पर्सनैलिटी। तो कुछ लोग उसकी वजह से भी जिंदगी में आगे प्रमोशन नहीं ले पाते, और उससे जो नया आया हुआ जो एम्प्लॉय है वो उनसे पहले उनसे 3 पोजीशन आगे बढ़ जाता है। कमी है स्पीकिंग की, कमी है ओवरऑल पर्सनालिटी, कमी है मेनली कॉन्फिडेंस की। तो ये जो ओवरऑल जो जर्नी की बात कर रहा हूँ, चाहे स्पीकिंग मास्टरी हो, तो ये जो ओवरऑल जर्नी है ना, इट इज ऑल अबाउट, अगर आपका कॉन्फिडेंस आज इस लेवल पे है तो मैं वादा नहीं, दावा कर सकता हूँ कि आप जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे तो ये जो लेवल जो है आपका यहाँ पे रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक छोटे छोटे नट बोल्ट्स टाइट करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंजन जो है वो पूरा परफेक्टली वो चीज़ें होती है। एग्जैक्टली तो ऑडियंस के लिए भी कि अगर पर्सनालिटी को लेकर के जो एक मिथ है, सर ने उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की कि इट्स नॉट अबाउट ओनली वेयरिंग दी ब्रांडेड क्लोथ्स और हैविंग अ आउटर ग्रूमिंग काइंड ऑफ। ट्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ फ्रॉम विद इन। आपका माइंडसेट कैसे आप चेंज करते हैं, आपका एटीट्यूड आप कैसे करते हैं, आप स्पीकिंग कैसे अपनी सुधार सकते हैं, क्योंकि सही बात है सर जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ब्रांडेड कपड़े पहनना नहीं पहनना वो आपका डिसीजन है, बट एक चीज़ ज़रूर से समझिएगा, जिस दिन आप खुद को ब्रांड बना दोगे ना, उस दिन बाकी की सारी ब्रांड आपके पास आएगी। बहुत शानदार बात बोली सर, ये एक बहुत पते की बात कही है सर ने कि अगर आप ब्रांड बन गए खुद तो बाकी फिर आप ब्रांडेड पहनते हो कि नहीं पहनते हो, बाकी सारी ब्रांड आपके पास आएगी सर, मेरा चीज़ है पहनो आप, मेरा चीज़ प्रमोट करो आप। सो दिस स्पीकिंग मास्टरी इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन बिकम द ब्रांड इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रेजेंटिंग द थिंग्स, प्रूविंग द थिंग्स, कन्विंसिंग पीपल, नेगोशिएट करना, आपकी पर्सनैलिटी देख के लोग बोले कि यार मुझे इसके जैसा बनना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कहीं ना कहीं सर ये सच भी है कि हम किसी भी व्यक्ति को देखें, सक्सेसफुल व्यक्ति को, चाहे वो कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल रहा हो, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल, या फिर मैं कहूँ वर्ल्ड वाइड भी सक्सेसफुल रहे हों, उनकी उनके बाकी बाह्य आवरण तो जैसे भी थे, लेकिन वो सब के सब एक ग्रेट पर्सनालिटी थे। वो ग्रेट पर्सनालिटी क्योंकि उसमें जो चीज़ें आपने बताई, जितने इंग्रेडिएंट्स बताए, मैं अभी अगर अपने दिमाग में लेकर आऊँ, आप भी अगर चाहें तो जो भी व्यक्ति को समझते हैं कि ये एक ग्रेट पर्सनालिटी है, चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे रतन टाटा हो, आप एक चीज़ देखिएगा कि जो सर ने जितनी चीज़ें बताई है ये सारी चीज़ों के ऊपर 360 डिग्री कहीं ना कहीं। एंड वही अगर मान लो कि वही महापुरुष आज जितने भी अगर जो पास्ट इवन बिजनेस पर्सन हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी बड़ी पर्सनलिटी, अगर आज के ज़माने में अगर इफ दे आर रीबॉर्निंग, फिर से जन्म लेते हैं, तो डेफिनेटली वो आज के ज़माने की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज मैं हमेशा से बोलता हूँ बार बार कि आज के ज़माने का युद्ध पुराने ज़मानों के शस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता, नहीं लड़ा जा सकता। सही बात है। सेम चीज़ विद पर्सनालिटी, सेम चीज़ विद स्पीकिंग। सो आगे आने वाले एपिसोड में मतलब बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल राजन जी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करने वाला है। एक लास्ट सवाल सर, इस वीडियो को जब हम आगे लेके चलेंगे और नए नए टॉपिक्स पे बात करेंगे,
एक चीज, एक प्रश्न है, या मैं कह लूँ एक मेंटल ब्लॉकेज आता है लोगों के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए भी हम ये चीज़ बताना चाहेंगे। वो कहते हैं कि यार मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि पर्सनालिटी को ग्रूम किया जा सकता है, तो जस्ट आप, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस से मुखातिब हो, तो आप इनको बताइए कि क्यों ज़रूरी है इन्वेस्ट करना अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर। लोग कहते हैं कि यार मैं देख करके सीख लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो यू हैव टू गो फॉर अ कोच, राइट? तो क्यों जरूरी है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोच का होना? सर, कोच का होना या फिर आपको खुद पे इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है? सो मतलब मैं तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो मिथ है कि भाई क्यों करना चाहिए, या फिर ये जो सवाल है, पता है कहाँ से आया? क्योंकि हम हमेशा से बोलते हैं कि बिलीफ सिस्टम इज द इशू विद दैट, कि लोगों को हमेशा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं जो कर रहा हूँ वही सही तरीका है जी। बट जब आप अपना खुद का बिलीफ सिस्टम ब्रेक करते हो, जब सामने वाले के बिलीफ सिस्टम को समझने की कोशिश करते हो, और मैं बार बार बोलता हूँ कि तीन सच है दुनिया में, एक आपका सच, एक मेरा सच और एक एक्चुअल सच, right? तो जब आप एक्चुअल सच की राह में निकलते हो, तब आपको समझ में आता है कि ओके, नाउ आप जब बात कर रहे हो पर्सनालिटी की, स्पीकिंग की, तो आपको ऑडियंस ऑब्जेक्टिव काम करना होता है, ना कि खुद के ऑब्जेक्टिव। आप खुद कितने सेटिस्फाइड हो, खुद कितना अच्छा बोल रहे हो, खुद को कितनी ताली मार रहे हो, दैट इज, फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में क्या परस्यू कर रहे हैं आसपास की, बिकॉज आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है, बिकॉज ये जो दुनिया है वो लोगों से चलती है जी सर। आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, आपको लोगों से काम निकलवाना है, आपको लोगों के साथ रहना है, जीना है, लोगों को इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है। तो इट्स नॉट अबाउट नाउ व्हाट यू बिलीव, इट्स अबाउट व्हाट एवरीबॉडी बिलीव, हाउ एवरीबॉडीज परसेप्शन इज, वो आपको कैसे परसीव करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं ऐसा रहूंगा तो क्या मुझे लोग अच्छा परसीव करेंगे? जवाब 100% नो आएगा। सही बात है। तो सीधी सी बात है सर कि आपकी कीमत आप डिसाइड करते हो, लेकिन आपकी कीमत इस बेस पे डिसाइड होती है कि लोग आपकी कीमत क्या लगा रहे हैं। मैं आज कुछ भी बोलूं यार, मतलब भाई कोई अगर इंसान आके बोलता है कि आई एम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस पर्सन, उसके बोलने से थोड़ी मान लेंगे। रिजल्ट्स, हाउ ही बिहेव, हाउ ही ड्रेस, व्हाटएवर द ओवरऑल पर्सनालिटी इज, वो ऑडियंस परस्यू करती है। ऑडियंस का जो मिला जुला होता है वो होता है कि उसका एक्चुअल लेवल क्या है। बोलने से क्या हो जाता है? Great. बोलने से क्या हो जाता है? आज तो कोई भी आके बोल देगा रोड पे से कि यार मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ, या फिर मैं सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, सबसे बड़ा मैं ट्रेनर हूँ, बोलने से थोड़ी होता है, दिखता है। सही बात है। और लोग परस्यू करते हैं कि बात करने के बाद में वो परस्यू करते हैं कि ही इज एक्चुअली अ बिगर बिग ट्रेनर। चलो आपने स्टेटमेंट तो दे दिया मैं बड़ा ट्रेनर हूँ, बट क्या आपकी बातें, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्टाइल, आप बड़ा बोलते हैं मैं बड़ा बिजनेस पर्सन हूँ, मैं बड़ा मतलब कैसे, तो मैं बहुत अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं सेल्स में बहुत अच्छा कर रहा हूँ जी, बट आप जो बोलते हो कि आपके बिहेवियर से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी स्पीकिंग से वो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं आप जब मैक्सिमम जगहों पर देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है आपके परसेप्शन का, और लोग आपको कैसे परसेप्शन, लोगों का आपकी तरफ कैसा है, लोग आपको कैसे परस्यू करते हो, वो दो रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। और जो इंसान ये इवोल्यूशन कर पाया ना, वही इंसान समझ पाएगा कि मुझे क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल सही सर। एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अजन जी लाइक जो बोल रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है एंड मैं रुक गया यहाँ पे, सो मतलब कहीं ना कहीं वो सच में रुक जाएगा। रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी, दोनों बास मारते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली सर। सो कहीं ना कहीं वंस अगेन देन खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि आपके लाइफ का डिसीजन हो सकता है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। एंड दूसरा, हैविंग कोच एंड मेंटर, हम पुराने सीरीज में भी बात कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग, ट्रेन द ट्रेनर में हमने बात करी थी, इवन लीड विथ लेगेसी भी हमने बात करी थी इस चीज की। वंस अगेन ये सीरीज में भी बात करना चाहूंगा कि कोच एंड मेंटर जो होता है वो आपको वो दिखाता है जो आपको नहीं दिखता, कई चीजें जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको खुद नहीं पता। लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे बारे में मेरे से अलावा कोई नहीं जानता, बट जब आपके सामने कोच बैठता है, मेंटर बैठता है, तो आपके सामने आपकी ऐसी बातें रखता है जो आप खुद भी नहीं जानते खुद के बारे में। मतलब आप खुली किताबों पर आप ही वो शब्द नहीं पढ़ पाए जो मेंटर पढ़ लेता है। इसीलिए तो उसे गुरु कहते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए तो गुरु कहते हैं। सर बहुत बहुत मजा आया, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मिथ है उसके डीप में जो इंग्रीडियंट्स है एक पर्सनैलिटी को कैसे आप डेवलप कर सकते हो, वो सर ने हमको बताने की कोशिश करी। और आप ही के सवाल थे जो मेरे मन में थे, मैंने सर से पूछा, और उनका जब उसका सवाल का जवाब भी सर ने बहुत अच्छी तरह से दिया। तो एक रिक्वेस्ट मेरा भी है आपसे कि अपने ऊपर ध्यान दो यार, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दो,
और कोशिश करो कि उसको 360 डिग्री चेंज करने के लिए अगर आपको किसी का सहारा लेना पड़े या किसी कोच की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उससे शर्माइए मत। वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको आने वाले समय में कई गुना बड़ा कर करके देगा। हम इस सीरीज के अंदर बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिनके कह सकता हूँ कि उसकी आत्मा के अंदर हम जो सोचते हैं ना उससे बहुत हटके भाविन सर के एक्सपीरियंस है, जो इनके 12 साल के एक्सपीरियंस का जो रस है, निचोड़ है, वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सो आप खुश रहिए, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि हम आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके सुझाव ही हैं जो हमें नई नई चीज़ें लाने पर प्रेरित करते हैं। True. हमें एंथुसिएज्म नए एपिसोड्स बनाने पे, आपके सवाल के ऊपर हम एपिसोड्स नए बना सकते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या टॉपिक्स और हो जिससे कि हम सर के एक्सपीरियंसेस का फायदा उठा सके और अपनी जिंदगी के अंदर हम उस चीज को बढ़ सके, तो हम बहुत जल्दी फिर आएंगे नए टॉपिक, बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।